एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हिंसा हुई थी। पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में देर रात फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि खान को राजस्थान से अरेस्ट किया गया। इस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। खान को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। उत्तर विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूह जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुस्लिम समुदाय को जुम्मे की नमाज भी घर पर अदा करने को कहा गया है। इसके साथ विधायक के गांव भादस और आसपास के क्षेत्र को पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। खान पर आरोप है कि वह हिंसा के दौरान दंगाइयों के संपर्क में थे। इसके अलावा उन पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस ने पूछताछ के लिए मामन खान को 2 बार नोटिस जारी कर बुलाया, पर वे जांच में शामिल नहीं हुए। मामन ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय की गई। नूह हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।